अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने वाटर एन हंटिंग और डव हंटिंग की है। बहुत ही कमाल के शॉट्स हैं, आप भी देख सकते हैं, बहुत ही कमाल के शॉट्स हैं। इस वीडियो को आप लाजमी लास्ट तक देखो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमको एक डव मिल जाती है जो कि बहुत ही कमाल की पोजिशन में बैठी है। चेस्ट जो है उसने अपनी हमारी तरफ की होती है, तो इस पोजिशन में हंट करने का मज़ा ही अपना है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं स्लोमो में हमें ये डेड शॉट मिल ही जाता है। नेक्स्ट फिर इसी पोजीशन में हमें बिल मिल जाती है एक डव जो कि छोटी, जिसे हम टॉटरू भी कहते हैं, तो ये भी इसी पोजीशन में बैठी होती है। इसके साथ भी सेम वही वाला हाल होता है जो पहली वाली का होता है, तो ये भी ऑन द स्पॉट डेड होती है। नेक्स्ट हमें मिल जाती है जी एक वाटर एन, जिसे हम मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस करने की वजह ये थी कि ये मूवमेंट कर रही थी, चल रही थी आगे की तरफ को, तो इसके बैक साइड पर लगा है, तो इस वजह से ये जो है ना हमसे कवर नहीं हो पाई, ये हंट नहीं हो पाई। और नेक्स्ट फिर हमें यार मिल जाती है एक वाटर एन, और इसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हंट कर ही लेते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये मतलब मूवमेंट ये भी कर रही है, बट इसको लग जाता है ये थोड़ा सा सर्वाइव करती है, और फिर भी हमें ये मिल ही जाती है। तो यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा है जो इसे रिसीव करके ही लाएगा, जो कि हमारा चकनाइज़र है। तो ये हमारे साथ नहीं गया था, ये यहीं का रहायशी था जहाँ से ये हमने हंट की है। और जितने भी क्लिप्स होंगे आप देख लेंगे कि जहाँ भी हम हंट करेंगे वहाँ कोई ना कोई अलग बंदा ही होगा जो हमें ये रिसीव करके देगा। तो यही बात होती है कि जब भी मैं कभी हंटिंग में जाता हूँ तो मैं किसी को साथ भी नहीं लेके जाता, सिर्फ एक जिसको गन पीछे पकड़ानी है या किसी ने बाइक चलानी है उसी को लेके जाता हूँ। उसके अलावा मैंने कभी एक्स्ट्रा बंदा लेकर कभी नहीं अपने साथ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गन यूज़ कर रहे हैं जी आर्टिमस M22 पैलेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रो मैग्नम स्कोप लगाई है, VT1 340 AO डिस्कवरी की, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है और बहुत ही कमाल की स्कोप है, ठीक है ना। तो इसके बाद जी यहाँ पर हमको फिर एक डब मिल जाती है जिसे हम हिट करने की कोशिश करते हैं, हंट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये खुद ही अपनी चेस्ट हमारी तरफ कर देती है, यहाँ पर आप देख लें। उसके बाद जैसे ही इसको ये शॉट लगता है तो ये थोड़ी सी आगे जाकर फसल में गिर जाती है, तो ये हमें रिसीव हो जाती है, बाद में रिकवर कर लेते हैं, सॉरी। इसके बाद फिर हम यहाँ से एक डब मिलती है, इसे भी हम हंट कर लेते हैं। यहाँ पर सुआ हम जिसे कहते हैं, पानी वाला नहर छोटी जो होती है, तो ये इसमें गिर जाती है। तो यहाँ से ये छोटा सा भाई जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, ये हमें वहाँ से ये कवर करके देता है, तो ये भी हम यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। बहुत ही कमाल का ये भी शॉट था, और ये तकरीबन कोई 30 यार्ड के अराउंड बोर्ड था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमें कोई तकरीबन कोई 35 to 40 यार्ड के अराउंड बोर्ड एक शॉट मिल जाती है डब की। तो यहाँ पर तो ये बहुत ही आराम से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस अंदाज में, जिस पोजिशन में ये बैठी हुई है, इसको तो हंट करना बहुत ईजी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे ऑन द स्पॉट डेड करते हैं और इसे हंट करके कवर भी कर लेते हैं। और बहुत ही ये कमाल की शॉट थी, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली शॉट आपको लगी पसंद आई होगी। पसंद आए ना तो यार अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो फिर दोस्तों हमें एक नेक्स्ट शॉट मिलती है जो कि एक खंभे के पार होता है, एक परिंदा बैठा तकरीबन कोई 60 यार्ड के राउंड बोर्ड होता है, वो तो कौवा था, ये जो है ना ये डाल गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको भी डेड शॉट ही लगता है, ऑन द स्पॉट ही ये डेड होती है। तो ये थोड़ा सा कैमरा जूम आउट होने की वजह से ऐसा कुछ इसका मतलब थोड़ा सा वापस और करीब जा रहा था, इस वजह से ना थोड़ा सा इसका मतलब रिजल्ट रेयर सा बना है। तो ये वो डब है जिसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लेते हैं और इसे ज़बह कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमें एक डब मिलती है, यहाँ से हमें ये साइकिल वाला भाई है वो इसे कवर करके देता है। तो यहाँ पर ये देखें ये बैक साइड की मतलब कि इसकी जो फ्रंट साइड है वो आगे को और बैक साइड हमारी तरफ है, तो ये यहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसे को भी हंट इजीली कर लेते हैं। और यहाँ से जो साइकिल वाला भाई है वो हमें इसे रिकवर करके देता है, वो हमें इसको पकड़ाता है लाकर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आया जी भाई, ये देख सकते हैं आप, और उसने ये हमें डब पकड़ाई है। तो बहुत शुक्रिया इस भाई का भी कि इसने हमारा साथ दिया, पानी के दूसरे पार से ये डब रिसीव करवाई, ठीक है ना, कवर करवाई, सॉरी। फिर इसके बाद ये डब होती है जिसको हम 2-3 बार मिस भी करते हैं, बट तीसरे या चौथे शॉट पर ये भी ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही कमाल का शॉट था। और यार आर्टिमस M22 के साथ भी आप ऐसी हंटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी कि नहीं P10 P15 ही करनी है यूज़। और यहाँ पर देख सकते हो दो डब कटी बैठी हुई, बनता तो यहाँ पर डबल शॉट था बट यार मिला हमें एक ही है। और मज़े की बात ये है कि पहली वाली डब नहीं मिली हमें, तकरीबन ये कुछ 70-80 यार्ड के राउंड बाउट है, तो मिली हमें इसके पिछली वाली डब जो इसके अगली तरफ बैठी हुई है। तो यहाँ पर ही आप गौर से देखना, उसे लगा और गिर गई अगली वाली जो हमारी तरफ वाली थी जो करीब थी उससे थोड़ा सा, तो वो जो है ना वो उड़ गई वाली गिर गई है, बनती यहाँ पर डबल शॉट थी पर हमें एक ही मिली है। तो ये थी यार आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको लाजमी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।